रसोई के जरूरी सामान में आजकल एक और नई चीज जुड़ गई है, माइक्रोवेव। जो लोग खाना पकाना नहीं जानते या मेहनत से खाना नहीं पकाना चाहते, उनके लिए तो माइक्रोवेव जीवन रक्षक है। माइक्रोवेव में पके या गर्म हुए खाने को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रोवेव के खाने से गैस की समस्या हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। कुछ का कहना है कि माइक्रोवेव करने से खाने के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वहीं कई लोगों का दावा है कि इसमें पका खाना खाने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक माइक्रोवेव में गर्म किया खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। दावा किया जाता है कि ब्रोकली में पाया जाने वाला फ्लेवोनॉइड माइक्रोवेव में 97% नष्ट हो जाता है, जो ब्रोकली उबालने की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। लेकिन 2019 की एक स्टडी के अनुसार अगर सब्जी को कम समय के लिए माइक्रोवेव में गर्म किया जाए तो उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। ब्रोकली का फ्लेवोनॉइड भी ज्यों का त्यों रहता है। बल्कि कुछ जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि नियमित तापमान पर ब्रोकली को माइक्रोवेव करने पर उसके फ्लेवोनॉइड बढ़ जाते हैं। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट इस दावे पर मुहर नहीं लगाते। फ्लेवोनॉइड का सेवन करने से दिल की बीमारियां होने की संभावना घट जाती हैं। हाँ, अगर ज्यादा पानी के साथ ब्रोकली पकाई जाएगी तो नुकसान हो सकता है। कुछ सब्जियां माइक्रोवेव में पकाना ज्यादा फायदेमंद है, जबकि कुछ को पारंपरिक तरीकों से पकाना ही बेहतर है। अक्सर माइक्रोवेव में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये घातक होता है। माइक्रोवेव की गर्मी प्लास्टिक में शामिल जहरीले पॉलीमर के कणों को तोड़ देती है और वो खाने में शामिल हो जाते हैं। ये पॉलीमर हार्मोन विघटन को बढ़ावा देते हैं। वैसे भी हर तरह की प्लास्टिक माइक्रोवेव के लिए नहीं होती। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिसाइजर है फिथेलेटस। ये प्लास्टिक को ज्यादा लचीला बनाता है। इसे अक्सर टेकअवे कंटेनर, प्लास्टिक रैपर और पानी की बोतलों में प्रयोग किया जाता है। फिथेलेटस हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को अनियमित करने और हार्मोन बिगाड़ने में जिम्मेदार है। बच्चों में ब्लड प्रेशर और इंसुलिन प्रतिरोध को ये बढ़ा सकता है, जिससे बच्चों में शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। इसे अस्थमा और प्रजनन संबंधी दिक्कतों से भी जोड़कर देखा जाता है। फिथेलेटस थायराइड हार्मोन के संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं में ये हार्मोन बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जरूरी है। प्लास्टिक कंटेनरों में बिस्फेनॉल नाम का केमिकल भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हार्मोन के चक्र को बिगाड़ने वाले विलेन का काम करता है। फिथेलेटस हमारे आसपास पाई जाने वाली लगभग हर चीज में है, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने और बॉडी लोशन भी इससे अछूते नहीं। जानकार अभी पुख्ता तौर पर इसके खतरों के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन फिथेलेटस तेज गर्मी के संपर्क में आकर खतरनाक हो सकता है, इस पर लगभग सभी जानकार सहमत हैं। बेहतर यही है कि माइक्रोवेव के लिए प्लास्टिक की जगह किसी और बर्तन का प्रयोग किया जाए, जैसे कि कांच का बर्तन इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल अक्सर खाना गर्म करने के लिए किया जाता है, जिससे खाने में पनपने वाले बैक्टीरिया मर जाएं। लेकिन जानकार कहते हैं कि खाना 2 बार से ज्यादा नहीं गर्म किया जाना चाहिए। इससे 82 सेल्सियस से ज्यादा गर्मी भी नहीं देनी चाहिए। माइक्रोवेव में खाने को समान रूप से गर्मी नहीं मिल पाती। किनारे से लगा खाना जल्द गर्म हो जाता है, लेकिन बीच का खाना ठंडा रह जाता है। इसीलिए माइक्रोवेव में बहुत ध्यान से खाना गर्म करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट आगाह करते हैं कि माइक्रोवेव में ज्यादा गर्मी में पकाए खाने में एक्रिलेमाइड नाम का केमिकल बन जाता है। ये केमिकल खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कैंसर के पनपने का डर होता है। खाना बनाने के किसी और तरीके की तुलना में माइक्रोवेव में पके खाने में एक्रिलेमाइड ज्यादा पैदा होते हैं। जहां तक बात है रेडिएशन की, तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। माइक्रोवेव में हल्की फ्रीक्वेंसी वाले चुंबकीय किरणों का इस्तेमाल होता है। इतनी ही क्षमता वाली रेडिएशन लाइट बल्ब में भी प्रयोग की जाती है। माइक्रोवेव की किरणें सेहत के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है। माइक्रोवेव लंबे समय से एक सुरक्षित उपकरण माना जाता रहा है, लेकिन इसके साथ कई चेतावनियां भी है। खास तौर से विशेषज्ञ अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि माइक्रोवेव में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की पैकेजिंग हमारे हार्मोन और स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल माइक्रोवेव में खाना पकाना और गर्म करना दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं।